हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग विद न्यू टॉपिक। सबसे पहले बात करते हैं आपका डेट कैपिटल और प्रेफरेंशियल कैपिटल में सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज की। सिमिलैरिटी की अगर हम बात करें तो आपका जो डिबेंचर कैपिटल है और आपका जो प्रेफरेंशियल कैपिटल है, दोनों के ऊपर ही एक डेफिनेट रेट ऑफ इंटरेस्ट है। डिबेंचर के केस में फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, तो प्रेफरेंशियल के केस में फिक्स रेट रहता है आपके पास आपका डिविडेंड का। तो दोनों ही फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल की कैटेगरी के अंदर आते हैं। डिबेंचर कैपिटल और प्रेफरेंशियल कैपिटल दोनों ही फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल की कैटेगरी के अंदर क्यों आ रहे हैं? क्योंकि दोनों पे एक फिक्स रेट है, एक पे इंटरेस्ट का तो दूसरे पे डिविडेंड का। सेकंड पॉइंट है, दोनों ही आपके सोर्सेज ऑफ फाइनेंस चीपर हैं आपके इक्विटी शेयर कैपिटल से। प्रेफरेंशियल कैपिटल भी और आपके पास आपका डेट कैपिटल भी, डिबेंचर कैपिटल भी, दोनों ही आपके चीपर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हैं आपके इक्विटी शेयर कैपिटल के कंपैरिजन में। इक्विटी शेयर कैपिटल सबसे कॉस्टली कैपिटल है। नेक्स्ट है आपके पास आपका डिसिमिलैरिटी की जब हम बात करते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट आता है आपका कि आपको डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पे करना है, और वो आपका एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट दोनों ही कंसेप्ट आपने अकाउंट्स में स्टडी किए हैं। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहने का क्या मतलब है कि चाहे कंपनी को प्रॉफिट है या कंपनी को लॉस है, दोनों ही सिचुएशन में इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पे करना ही है। बट जब हम बात करते हैं अप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट की, यानी कि आपका जो आपका प्रेफरेंस डिविडेंड है वो आपका अप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट है, यानी कि कंपनी को जब प्रॉफिट होगा तो ही प्रेफरेंस डिविडेंड पे किया जाएगा, अदरवाइज आपका प्रेफरेंस डिविडेंड पे नहीं किया जाएगा। तो आपके पास इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो है वो एक कंपलसरी है, यानी कि आपके पास एक कंपलसरी एक्सपेंस है, वो आपको पे करना है, वेदर द कंपनी इज हैविंग प्रॉफिट और अकरिंग लॉसेस। बट प्रेफरेंस डिविडेंड इज पेएबल ओनली व्हेन द कंपनी इज हैविंग प्रॉफिट्स। नेक्स्ट है आपका जो डिबेंचर इंटरेस्ट है वो आपको टैक्स बेनिफिट देता है, बट प्रेफरेंस डिविडेंड आपको टैक्स बेनिफिट नहीं देता है। अब टैक्स बेनिफिट आपकी बुक में एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, मैं आपको समझाती हूँ। एक हमने कैटेगरी ली है कि जहाँ पे एक कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर से फाइनेंस किया है, और दूसरी कैटेगरी है जहाँ पे कंपनी ने डिबेंचर से फाइनेंस किया है, यानी कि सोर्स ऑफ फाइनेंस डिबेंचर है और फर्स्ट केस में प्रेफरेंस शेयर है। मैंने दोनों ही केस में अज्यूम किया है कि हमारे सारे खर्चे पे करने के बाद बट इंटरेस्ट और टैक्स से पहले का जो प्रॉफिट है, जिसको हम बोलते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, वो आपके पास दोनों ही केस में हमने सेम अज्यूम की है, ₹10 एंड ₹10। फिर हमने माना है कि ₹10 के इंटरेस्ट आपने इशू किए हैं और 10% की रेट के साथ। तो आपके पास जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है, ये रेट मैंने अज्यूम की है छोटी रेट, आपके पास इजी कंसेप्ट, ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए, आपको टॉपिक समझ में आ जाए कि टैक्स बेनिफिट होता क्या है। तो इंटरेस्ट हमने 10% की रेट से लिया है। पहले केस में प्रेफरेंस शेयर है तो वहाँ कोई डिबेंचर इंटरेस्ट होगा ही नहीं। सेकेंड केस में डिबेंचर्स हैं 10% की रेट से, ₹10 के डिबेंचर्स, तो आपके पास 10% की रेट से आपके पास ₹10 का इंटरेस्ट बनेगा, ₹1, वो हमने यहाँ पे दिखा दिया। टैक्स बेनिफिट क्या होता है कि जो आपका डिबेंचर इंटरेस्ट है वो आपकी टैक्स पे करने से पहले ही पे कर दिया जाता है। तो इस केस में यहाँ ₹10 बचे अभी भी और यहाँ ₹9 बचे, अब टैक्स पे किया जाएगा। कंपनीज के रेट में 30% से आपकी स्टार्ट होते हैं, बट अभी अमेंडमेंट्स हुए थे लास्ट ईयर, तो कुछ आपके चेंजेस आए हैं, मैंने यहाँ पे वो इजी रखने के लिए ही फिर से 10% ही अज्यूम किया टैक्स। तो यहाँ पे देखिए हमारी प्रॉफिट जो है ₹10 है, ₹10 के ऊपर 10% की रेट से ₹1 टैक्स लग गया, ₹9 बचे। यहाँ ₹9 आपके पास आपकी प्रॉफिट बच रही है, उस ₹9 पे 10% की रेट से ₹90 आपके पास आपको टैक्स पे करना है, तो ₹8.10 आपके पास बचे। अब जो प्रेफरेंस डिविडेंड होता है वो आपका टैक्स पे करने के बाद आपका पे किया जाता है। तो प्रेफरेंस डिविडेंड हमने अज्यूम करा कि ₹10 पे करने हैं, 10% की रेट से ही आपके ₹10 के प्रेफरेंस शेयर हैं, तो वही सेम 10% ऑफ ₹10, ₹1 का हमें प्रेफरेंस डिविडेंड पे करना है। अब यहाँ पे ₹8 बचे, और यहाँ कोई प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं था तो ₹8.10 बचे। टैक्स बेनिफिट क्या होता है कि आपके पास आपकी टैक्सेबल अमाउंट को रिड्यूस कर देता है आपका डिबेंचर का इंटरेस्ट। यहाँ पे डिबेंचर इंटरेस्ट जो है वो टैक्स पे करने से पहले पे किया गया, तो हमारा टैक्सेबल अमाउंट
यहाँ पे कितना बचा 9 रुपीज और इस केस में 10 रुपीज। प्रिफरेंस डिविडेंड टैक्स पे करने के बाद से पे किया जाएगा, यानी कि वो अर्निंग जो हम घर ले जा सकते हैं कंपनी की, वो अर्निंग जो कंपनी की होती है उसमें से डिविडेंड पे किया जाता है। बट जो डिवेंचर इंटरेस्ट है वो टैक्स पे करने से पहले ही पे कर दिया जाता है। तो इसी को हम बोलते हैं टैक्स बेनिफिट, कि हमारा टैक्सेबल अमाउंट रिड्यूस हो जाता है आपके डिवेंचर इंटरेस्ट के चलते। तो ये आपकी बुक में एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, इन केस आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को रिवाइंड करके देखिएगा, बार बार आप रिपीट करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी और उस टेबल को आप अपने बना करके समझ भी सकते हैं खुद से भी कि आपका टैक्सेबल अमाउंट रिड्यूस हो गया है आपके डिवेंचर इंटरेस्ट के चलते, यही आपका टैक्स बेनिफिट कहलाता है। फिर आता है नेक्स्ट टॉपिक फाइनेंशियल लिवरेज एंड फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल लिवरेज का मतलब होता है, आपने लास्ट वीडियो में कैपिटल स्ट्रक्चर का मीनिंग जाना था कि रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। अब वहाँ पे जरूरी नहीं है कि आपको सभी सोर्सेज उठाने, हो सकता है आपने सारा फाइनेंस इक्विटी शेयर से किया हो या इक्विटी प्रेफरेंस से या इक्विटी डिवेंचर से या इक्विटी प्रेफरेंस डिवेंचर तीनों से किया हो। तो फाइनेंशियल लिवरेज क्या होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल के साथ फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल इंक्लूड करना, यानी कि आपका डिवेंचर और आप प्रेफरेंस शेयर भी यूज कर रहे हैं अलॉन्ग विद योर इक्विटी शेयर कैपिटल, उतना ही आपका फाइनेंशियल लिवरेज कहलाता है। एंड फाइनेंशियल रिस्क होता है कि जब कंपनी इनेबल है आपके फिक्स्ड कॉस्ट पे करने के लिए। एक कंसेप्ट है फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल और एक कंसेप्ट है फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल होती है डिवेंचर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर, क्योंकि उन दोनों कैपिटल के ऊपर आपको फिक्स रेट से पे करनी है, एक के ऊपर डिविडेंड तो दूसरे के ऊपर इंटरेस्ट। एंड फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट होती है प्रेफरेंस डिविडेंड एंड डिवेंचर का इंटरेस्ट, क्योंकि वो फिक्स रेट से आपको पे करनी है। एंड फाइनेंशियल कॉस्ट क्यों है, क्योंकि कैपिटल के बदले में आप वो पे कर रहे हैं। तो फाइनेंशियल रिस्क क्या है, जब कंपनी प्रेफरेंस डिविडेंड और डिबेंचर इंटरेस्ट पे करने में असक्षम है, इनेबल है, वो ही फाइनेंशियल रिस्क कहलाता है, क्योंकि अब कंपनी के ऊपर बर्डन आना स्टार्ट हो जाएगा। और रिस्क क्या होता है, पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस है ना, या इनएडिक्वेट प्रॉफिट। तो वही सेम चीज़ है, फाइनेंशियल रिस्क क्या होगा कि कंपनी के ऊपर बर्डन आना स्टार्ट हो जाएगा जब वो प्रेफरेंस डिविडेंड और डिबेंचर इंटरेस्ट पे नहीं करने में सक्षम होगी। तो आज के लिए यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी वो हम करेंगे स्टार्ट। तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ, थैंक यू।